ये देखें, तो फाइनली हमारा जो ग्रे बैरेट का चिक है इसकी फीडिंग स्टार्ट हो गई और हैंड फीडिंग देखें। आज आपको ये सारे काले हिरन एक साथ नजर आ रहे होंगे काफी, और पानी को एक तरह से फिल्टर करते हैं और उस फिल्टर के दौरान जो आज ही बच्चा दे दिया है और अगले ही दिन जो है वो बेबी आ गया माशाल्लाह। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद तमामी पेट लवर्स को पाकिस्तान से बाहर जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अमेरिका, कनाडा, यूके और उससे भी आगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों से लेकर बलूचिस्तान के मड वॉल्केनो तक, मसाई मारा के जंगलों से लेकर छांगा मांगा और आसाम के जंगलों तक, जहाँ जहाँ पर ये व्लॉग देखा जा रहा है आप तमाम पेट लवर्स को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कमेंट्स आप सबके मुझे मिल रहे हैं, आपकी मोहब्बत और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई स्टार्ट करते हैं और अच्छी चीज़ से स्टार्ट करते हैं ताकि पूरा दिन अच्छा जाए। तो भाई कल मैं आपको व्लॉग में जिक्र कर रहा था कि हमारी नील गाय जो है वो बच्चा देने वाली है 2-3 दिन में, और दोस्तों उन्होंने आज ही बच्चा दे दिया है और अगले ही दिन जो है वो बेबी आ गया माशाल्लाह। ये देखें, ओ उस वक्त अंदर चला गया अपनी अम्मी के साथ। देखिए दोस्तों, ये नील गाय का बेबी है और जिसे इंग्लिश में ब्लू वुल कहा जाता है। तो ये छुप गया था, काफ़ी देर इंतज़ार किया तो ये बाहर आया है, और इसकी अम्मा जो है वो अभी अपने नाइट रूम के पीछे है। ये देखिए कितना छोटा है और ये कुछ घंटों का बेबी है। जब नील गाय छोटी होती है तो इनके पैरों के ऊपर आप ये देख सकते हैं ये वाइट कलर के निशान होते हैं, इनसे पहचान सकते हैं कि ये जो है वो नील गाय का ही बेबी। अब देखें वापस अपनी इसको अपनी अम्मी के पास जाना है जो कि बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है। देखिए अब आपको नज़र आ रही होगी, ये इसकी पूरी फैमिली है। मैं ज़रा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से शायद नज़र आ जाए। ये देखें, ये इसकी पूरी फैमिली है और ये बच्चा अपनी अम्मी की तरफ ही है जो कि यहाँ पीछे छुपे हुए हैं। तो भाई ये है हमारी ब्लू बुल यानी कि नील गाय। नील गाय जो है कभी हमारे सहराए थर के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, यानी पाकिस्तान के जो डेजर्टिक एरियाज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। अभी ये बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो इंडिया है वहाँ पर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इवन अभी मुकेश अम्बानी की जो बेटा है उसका जो फार्म की जो वीडियो हम देख रहे थे, खाली उसके फार्म के इर्द गिर्द 1500 से 2000 नील गाय जो है वो देखी जाती है। तो इसका मतलब जितनी पाकिस्तान के अंदर नील गाय नहीं है उतनी तो खाली मुकेश अम्बानी के बेटे के फार्म पर आ जाती हैं, जो उनकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर। बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये जानवर है, इनको हमारी दुनिया के अंदर रहना चाहिए, हमारी दुनिया का हिस्सा है। और ये दुनिया सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं है, बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो है वो यहाँ पर रहते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारे शेरों का जोड़ा बहुत आराम से जो है ये इस वक्त जो है वो सो रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है हम जितना भी यहाँ पे जो है शोर करें, क्योंकि बिल्कुल मानूस हो चुके हैं। देखें मादी की आंखें, देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। बेबी ज़ेब्रा की अपडेट देखें माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया और कितना प्यारा हो गया माशाल्लाह जी। तो हमारे ज़ेब्रा भी बिल्कुल ठीक हैं। देखें आज आपको ये सारे काले हिरन एक साथ नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था कि इनको एक साथ दिखाऊं। ये ब्लैक वाला मेल है और बाकी सारे फीमेल है जो कि हमें देखते ही छुप जाते थे, लेकिन आज ये हमारी नज़रों में आ ही गए। आपको याद होगा दोस्तों, जो पिछली कुछ वीडियो के अंदर मैंने आपको हमारे पूरे ज़ू का टूर दिया था, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो जाके देख लें, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा ज़ू हमारा जो है वो ऊपर ऊपर से सारा जो है सारे केजेस दिखाए थे, सारे जानवरों के बारे में बताया था कि हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो उस दौरान भी जो काले हिरन है ये हमें प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आ रहे थे, छुपे हुए थे, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आपको ये सारे एक साथ नज़र आ गए। और काफ़ी दिनों के बाद मुझे भी ये सारे एक साथ बाहर नज़र आए, वरना कोई ना कोई जो है अंदर छुपा ही रहता था। इसके अंदर एक बेबी है और बाकी सारी बड़ी फीमेल्स हैं और एक मेल है जो कि ब्लैक कलर का है। गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारी वाटर बर्ड एवरी है और इसके अंदर ये जो पिंक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्लेमिंगोज हैं। अब आप देखें ये खाना किस तरीके से खा रहा है, ये देखें, ये पानी के अंदर अपनी चोंच डालते हैं और पानी को एक तरह से फ़िल्टर करते हैं, और उस फिल्टर के दौरान जो इसके मुंह के अंदर जो छोटे प्लांटेंस और फंगस वगैरह आती है उसको खा जाते हैं। ये देखें किस तरीके से ये अपनी बीक का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े शाये होते हैं ये, जैसे ही हम ज़्यादा वीडियो शूट या करीब में जाते हैं तो फिर ये जो है वो रुक जाते हैं, लेकिन ये देखें ये सामने बिल्कुल शुरू हो गया। अब आप देखें थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होगा। तो भाई ये है फ्लेमिंगो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की चीज़, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड। और अगर आप इसके एक्चुअल कलर्स देखना चाहते हैं ना तो भाई वो आप नेट पे देखें, इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा डार्क पिंक और ऑरेंज कलर की होती हैं। तो भाई मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इसलिए आपको मैंने फ्लेमिंगो दिखा दिया, लेकिन असल मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मैं अंडे चेक करने आया हूँ। आपको याद होगा हमने बहुत सारे अंडे जो इनक्यूबेटर में लगाए थे, तो ज़रा चलते हैं हमारे पुराने वाले ऑफिस में, नया वाला ऑफिस तो अभी बन रहा है तो उसके अंदर जो इनक्यूबेटर सामने रखा हुआ है
इसको जरा चेक कर लेते हैं इसके अंदर अंडों के क्या हालात है। तो दाऊद जरा चेक करना यार अंडों को, क्या ठीक है अंदर टेम्परेचर वगैरह या बाकी सारी चीजें? टेम्परेचर तो ओके बता रहा है, टेम्परेचर ओके है अंदर, हीटिंग भी सही हो रही है, हीटिंग चेक कर, पानी का सिस्टम भी बिल्कुल ठीक रखा हुआ होगा, अंडर बिल्कुल ओके, चले गुड हो गया। तो फिर जो है वो इंशाल्लाह इसको जो है अपडेट लेते रहेंगे हम, फॉलो अप लेते रहेंगे। तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन दोस्तों ये वाली डक आप देखें, इसका जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है और इसे कहते हैं मैंड्रीन डक। ये देखें, इसने अब तक मेरे पास ब्रीड नहीं की है और हम इसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं कि ये ब्रीड करें। आप इसके कलर्स चेक करें, ये देखें कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत है, ये चेक करें अब आपको नज़र आएगा, ये देखें कितनी प्यारी डक है, ये देख रहे हैं आप। तो भाई इसकी भी ब्रीड इंशाल्लाह हम कराएंगे, पानी के अंदर भाग गई है। और अभी चलते हैं जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, दोस्तों हमारे जू के अंदर ग्रे पैरेट का जो इस सीज़न का जो पहला बच्चा है वो पैदा हुआ है, उसको चल के चेक करते हैं कि ग्रे पैरेट का बेबी कैसा है, उसने खाना खाया नहीं खाया, और वो अगर खाना खा रहा है तो किस तरीके से खा रहा है। तो चलते हैं ज़रा हमारे बर्ड रूम के अंदर जहाँ पर कल हमने इसको इनक्यूबेटर के अंदर रखा था। अच्छा एक सेकेंड, इसको तो हम देख रहे हैं यार, ज़रा डक्स के बच्चों की क्या अपडेट है? डक्स तो बहुत ही अच्छे हैं और एक्टिव हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये तो बिल्कुल सेट हैं, बिल्कुल एक्टिव है इंशाल्लाह, और ये उम्मीद है बहुत जल्दी बड़े भी जाएंगे। तो दूसरे इस अरे ग्रे पैरेट का बेबी देखें हमें यहीं से नज़र आ रहा है, ये देखें। तो ये है कुछ दिनों का है, क्योंकि ये बस बॉर्न हुआ था और हमने कुछ ही डेज़ के अंदर अंदर इसको जो है बॉक्स से निकाल लिया था। अगर हम नहीं निकालते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो ठीक से फीड नहीं करा रहे थे। तो दाऊद ने ज़रा ताला भी लगा दिया, वाह ये कोई और हमारे अलावा ना निकाले। हाँ चाबी ला रहा है, तब तक आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे दूं कि हमारे रैम्बो और टीटू की दोस्ती हो चुकी है। अब ये दोनों एक ही केज को शेयर कर रहे हैं, पहले अलग अलग पिंजरों में रहते थे, लेकिन अभी इतनी पक्की दोस्ती हो गई कि एक ही केज के अंदर रह रहे हैं और ये एक दूसरे को सारा दिन फीड कराते रहते हैं। तो ये है हमारा रैम्बो, इसके कलर की वजह से इसको नाम रखा है, और ये है हमारा टीटू। तो ये दोनों की हो गई दोस्ती, बहुत अच्छी बात है कि हमारे तोतों की आपस में बॉन्डिंग बन गई है। देखें कितने सारे पैरेट्स हैं हमारे पास, मकाओ दो हैं हमारे पास, ग्रे पैरेट ये वाला, ये हैंड टेम बर्ड्स हैं, ये वो तोते हैं जो हाथ पे आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 100 तोते और हैं जो हाथ पे नहीं आते, जो सिर्फ ब्रीडिंग के लिए। और ये देखें कैमी कैमी, और ये हमारा मैंगो। तो दाऊद भाई चाबी लेकर, बख्श भाई क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, आप सुनाए ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? किधर घूम रहे हैं? बल्ब बल्ब तारे वारे लेके कहीं कनेक्शन का इरादा है क्या? हाँ यार अभी ये चेकिंग करते हैं, वो ब्रूडर है उसके अंदर ये होल्डर लगवाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई ये हमारा ग्रे पैरेट माशाल्लाह, और ये सो रहा है इस वक्त, तो एक मिनट दिखाना जाओ। अच्छा जी ये बड़े बर्तन में रख दिया, अरे ये देखें ये देखें ये देखें कैसे, तो इसको थोड़े दिनों में थोड़े से बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको छोटे बर्तन में शिफ्ट करते हैं। और ये अभी भी खाना मांग रहा है यार दाऊ, इसको खाना नहीं खिलाया क्या? खाना खिलाया अभी थोड़ी देर, खाना खिलाया हुआ फिर भी मांग रहा है। अच्छा इसके पेट के अंदर ये रहा खाना, अच्छा जी तो ये और भी मांग रहा है। ये देखें ये छोटे होते हैं तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, ये देखें इसकी चोंच देखें, और ये और खाना मांग रहा है, ज़बरदस्त। तो अभी इसको मेरे ख्याल रखते हैं जी, और थोड़ी देर बाद जब दाऊद खाना खिलाएगा तो फिर उसके भी हम व्लॉग में लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसको इधर रखते हैं ताकि अपने टेम्परेचर के अंदर ओके रहे। तो दोस्तों अब बारी है ग्रे पैरेट के बच्चे को फीड कराने की, और ये देखें मेरे सामने चूज़ा हमने अभी अभी बाहर निकाला है, तो इसको थोड़ा सा फीड कराते हैं। पहले तो आप सिरिंज देख लें, सिरिंज हमेशा आपने अच्छी वाली लेनी है, नॉर्मल वाली सिरिंज के आगे अगर आप पाइप लगाएंगे तो हमेशा एक फिक्र रहती है कि वो पाइप कहीं इसके गले के अंदर ना उतर जाए, और कोई हार्ड वाली सिरिंज आपने नहीं लेनी है। तो ये प्रोफेशनल सिरिंज होती है, आपने ये लेनी है। अच्छा मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि सिरिंज जो है वो आपने कहाँ से लेनी है। एक प्रोफेशनल सिरिंज जो है पाकिस्तानी मेड मिलती है, मुजफ्फर भाई ने मैन्युफैक्चर की हुई है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, अगर आपको किसी को ऑर्डर करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो अभी इसको फीड कराते हैं, ये देखें ये देखें दोस्तों ये फीड कर रहा है, बहुत स्लो 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 उसको मैं करा रहा हूँ। तो अब दाऊद फीड कराएगा इसे, और ये देखिएगा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह, ये देखें। तो फाइनली हमारा जो ग्रे पैरेट का चिक है इसकी फीडिंग स्टार्ट हो गई, और हैंड फीडिंग हमने इसको देना शुरू कर दी है, ये देखें माशाल्लाह और इसका ये क्रॉप, ये देखें इसका जो पेट है ये फुल हो गया, बस इससे ज़्यादा इसको ओवर फीड हम नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रे पैरेट जो है वो फीड कर चुका है, उसको बहुत एहतियात से वापस हम
ब्रूडर में रखेंगे। तो हम वापस रखते हैं हमारे ब्रूडर में और ये चला गया ब्रूडर के अंदर माशाल्लाह। और यहाँ पे इसका एक टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, उस टेम्परेचर के अंदर ये रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग, ग्रे पैरेट के बेबी की फीडिंग हमने आज कराई, नील गाय का बच्चा आज हुआ और बाकी और भी काम हो रहे हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं सुबह सुबह में ही शूट कर लूँ सारी चीज़ें, और अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी तो मैं दोपहर को भी शूट करके डाल दिया करूँगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको हमारा ये व्लॉग जो है वो कैसा लगा और हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है। आपके सबके कमेंट जो है मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और कुछ कमेंट्स को तो मैं रिप्लाई भी देता हूँ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर एक व्लॉग के साथ आपको मिलेंगे। डेली व्लॉग्स हम बना रहे हैं तो प्लीज़ इसको डेली देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए और फ़ौरन आप हमारी जो है लेटेस्ट अपडेट जो है उसको देख सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।